हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबर अंबाला से है, जहां पर बिना परमिट वाली बसें रोजाना पंजाब से अंबाला सवारियां लाने ले जाने में व्यस्त रहती हैं, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। इस मामले में बस अड्डा इंचार्ज विजेंद्र सिंह का कहना है कि उनके बस स्टैंड में बिना परमिट कोई निजी बस नहीं घुस सकती। वहीं उनका यह भी कहना है कि उनका काम केवल बस अड्डे में आने वाली सरकारी और परमिट वाली निजी बसों को देखने का है। वहीं बीते दिन हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अचानक अंबाला आकर इसका निरीक्षण किया था और मीडिया से बातचीत पर कहा था कि कोई भी अवैध और बिना परमिट की बस नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन में ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिट वाली बसों पर कार्रवाई कब होगी, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। दरअसल कल ही हमने देखा था कि परिवहन मंत्री अंबाला पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं वहां पर बस स्टैंड का, और जो भी बिना परमिट वाली अवैध निजी बसें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी करते हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी चेतावनी दे देते हैं कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आगे के लिए तैयार रहें। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि ऐसी बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं और विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। परिवहन मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, अब 10 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या 10 दिन के अंदर अंदर जो चेतावनी दी गई है परिवहन मंत्री के द्वारा, उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, 10 दिन का वक्त दिया गया है संबंधित अधिकारियों को भी कि जल्द से जल्द पता लगाए बिना परमिट वाली बसों का, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल रही है? जी बिल्कुल, जो यह अंबाला में जो है पंजाब के लुधियाना और जलंधर से कुछ पंजाब की निजी बसें हैं, ये कम से कम 38 के करीब निजी बसें हैं जिनमें से सिर्फ 13 के परमिट है, और इन 13 की आड़ में जो है इसकी जो 28 बसें हैं वो चलाई जा रही है। क्योंकि जो टाइम परमिट वाली बस का होता है जो अंबाला कैंट बस स्टैंड से चलती है, ऐसे ही दो बसें अंबाला सिटी और अंबाला कैंट से अलग से चलती है। और इसका संज्ञान लेते हुए जब मंत्री से बात की गई तो मंत्री ने सीधे तौर पर इसमें आरटीओ दफ्तर को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि जो बिना परमिट की बसें हैं उसको देखना आरटीए का काम होता है, और उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई भी बिना परमिट के बस को चलने नहीं दिया जाएगा, और इस बात के आदेश जो है आरटीओ को दे दिए गए, और यदि 10 दिन के अंदर आरटीओ इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी राजकुमार, अब ऐसे में क्या समझा जाए, जिनको भी ये चेतावनी दी गई है उनकी तरफ से क्या अपने कार्यभार को संभाल लिया गया है, वो जुट गए हैं ऐसी बसों का पता लगाने के लिए, या फिर ढिलाई बढ़ती जा रही है अभी? जी जो अंबाले के आरटीओ है वो एडीसी भी हैं, और उसके अलावा भी उनके पास एक चार्ज है, वो तो काफी व्यस्त लगते हैं, वो तो कहीं दफ्तर जाओ तो मिलते ही नहीं है। लेकिन जो उसके उनके नीचे मातहत अधिकारी हैं इंस्पेक्टर लेवल के, उन्होंने आज भी चेकिंग की है, लेकिन ये चेकिंग एक फॉर्मेलिटी के तहत लग रही थी क्योंकि वो उन्हीं बसों को चेक कर रहे थे जिनके परमिट है, बिना परमिट वाली बसों को जो है उन्होंने देखा तक नहीं है। और लगता है कि मंत्री के आदेश भी जो है उनके जो है कान के ऊपर से बह के जा रहे हैं, और इसके साथ अगर अधिकारियों की बात कही जाए तो अधिकारी भी जो लीपा पोती कर रहे हैं, इसमें कोई मिली भगत की जो है साफ स्मेल आ रही है। जी राजकुमार, ऐसे में मंत्री जी तक ये जानकारी जरूर पहुंचाने की जरूरत है, शुक्रिया बहरहाल आपका। अगर सख्ती नहीं दिखाई जा रही या फिर मंत्री जी के आदेशों को सिर्फ ऐसे ही खाना पूर्ति के तौर पर लिया जा रहा है, तो उनको इस वक्त जरूरत है कि ऐसे सभी कर्मचारी और अधिकारी सतर्क हो जाएं, अन्यथा आगे की कार्रवाई के लिए इनको तैयार रहना होगा। ठीक कहा कि अधिकारियों को सचेत करना होगा, और अधिकारियों को जब सड़कों पे निकलना होगा ना कि ऐसी दफ्तरों में बैठकर कार्रवाई करनी होगी, और उनको इन बसों पे कड़ाई करनी पड़ेगी ताकि सरकार को जो रिवेन्यू लॉस हो रहा है वो ना हो और सरकार के खाते में रिवेन्यू हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार शर्मा आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखना यही है कि अधिकारी और कर्मचारी कितना अपने काम को करते हैं, और जो आदेश इनको जारी किए गए हैं या यूं कहें जो चेतावनी दी गई है उस पर ये कितना खरा उतर पाते हैं।